तिहाड़ जेल दे बाहर आ हुण असीं ते अज 12 होर किसान रिहा होए आ। जो बोले सो निहास, ये हमारे हमारा सम्मान है, मान है, तो करो मीठा करो ना, आप करो ना, तरक्की रह गए आप तो दो ने और भी लिया ना, और भी चाहिए लगे नहीं। राजू किधर है? हमने कर दिया, ले लिया मंजीदर साहब का डालो भाई, बड़ा डालो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं दसना चाहना है, साडा बच्चा देखो 18 साल, ये नवीन जी ना 18 साल का बच्चा है, 10वीं क्लास पढ़ता है, और इतने की तारा लगिया ने 307 पुलिस नूं अटैक करन दियां और जानलेवा हमला करन दियां। तुसीं देखो 18 साल दे बच्चे केवल इस करके जेलां च डकते क्योंकि उन्हां कोलों सरकारां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद सुनी नहीं जा रही सी। पुलिस नूं लग रहा सी कि अगर सरकार दे खिलाफ कोई बोलदा पिया है उहदी हिम्मत किवें होई बोलण दी, असीं नूं जेल च डकांगे। तुसीं इन्नी बेइंसाफी कीती आ, देश दे लोक कदी माफ़ नहीं करनगे। 18 साल दे मुंडे दा दूजा भरा 19 साल दा, दूजा जिहड़ा को अपना देखने के लिए फिर उन्होंने 27 तारीख को भेज दिया वहाँ से सीधा। पुलिस ने आपसे, आपने पूछा कि क्या आरोप है, मेरी क्या गलती है, आपने पूछा? वो बोले कागज दिखा के चले जाना, फिर उन्होंने बिठा लिया, मैं छोड़ा ही नहीं। उसके बाद कुछ आपके साथ कुछ बदतमीजी करी, मारने कुछ किया? जेल के अंदर कोई ऐसा गलत बर्ताव आपके साथ? नहीं, कुछ भी मिलाने जो जी अरबी करवा रखे हैं, क्या करवा रहे हैं? जो जो बड़ा हाथ लगा के प्लेट पकड़ के कि हम गुनाहगारों प्लेट पकड़ के खड़ा करते हैं ना, जो जीर बना दिए। जो एक तरीका है सरासर दर्शांदा है कि इन दी गलती है, ते इससे की कार्रवाई की जाएगी? नहीं देखो, पहले आप इन्हें तो दसो, आप बताओ जी अपना, क्या नाम और नाम बताओ, क्या हुआ? जगवीर जी गाड़ी मारे थे, पीला गड्ढी रोक लिया हमारे को। पूरा नाम बताओ जी। जगवीर सिंह अपना, जगवीर सिंह नरवाल, नरवाल नरवाल तो मशहूर है ना, इसलिए नरवाल होना तो पहले जरूरी बताना। उन्होंने गाड़ी रोक लिया, पुलिस वाले ने हमने रोक दिया, रोक दिया। मैं बोला भाई साहब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, इंक्वायरी करने के बाद छोड़ दिया जाएगा, थोड़ी तफ्तीश करेंगे। उसके बाद हमने किसी से नहीं पूछा, न थानेदार ने पूछा, किसी को नहीं पूछा हमारे को, सीधे ही दूसरे रात में दूसरे थाने में, अगले दिन तीसरे थाने मुगलपुर थाने में, हमारे को मुगलपुर थाने में ले गए, मुगलपुर थाने से सुल्तानपुर थाने में ले गए, सुल्तानपुर थाने से हमारे सवेरे नांगलोई ले गए, वहाँ पर हमारे केस बांधे, हमारे डोजर भरवाए और हमारे सारे ये नगलोई थाने में आपके साइन कराए गए, अंगूठे लगाए गए नगलोई थाने में, तो आपको धमकाया गया वहाँ पर नगलोई थाने में कि साइन करो? हमारा टोर्चर करते थे, हमारे को धमका, क्या कहते थे वो आपको? कहते बैंड तो कैसे आए हो तुम, क्या करने आए, निकालते थे? हाँ। अच्छा हाँ। तो आप कहते नहीं थे कि हम किसान आए? हम कहते हम किसान है, क्यों आए थे? तुमने पुलिस वाले को मार दिया, हमने किसी से नहीं मारा। उसके बाद कुछ मनवाने की कोशिश करी कि आपको बोला गया इस तरीके से, कुछ बोला कि यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, जैसे पिछले जो किसान आए थे उनको पुलिस द्वारा बोला गया था कि दोबारा संघर्ष में मत जाइए, क्या आपको ऐसा कुछ बोला गया? वो बोलते थे फिर आइयो फिर आइए, मगर फिर भी आएंगे, अगर कमेटी जो आदेश देगी करेंगे, हम आएंगे, मगर ऐसे बोलते थे हम।
वो बोलते थे नहीं आना था मैंने, हम आएंगे हम। बिल्कुल, आपके साथ और क्या किया गया, आपको कहाँ रखा गया था? किसानों के साथ ही रखा गया था? यस मैम, किसानों के साथ ही रखा गया था, मैंगलोर थाने में, वहाँ पर मुंडला थाने में। उसके बाद आपको जब गिरफ्तार किया गया, उस वक्त आपके साथ और कितने लोग थे? 11 को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ कहा पुलिस ने आपको? आपने बताया कि आप स्कूल में पढ़ते हैं। यस मैम। क्या कहा उसके बाद? वो बोल रहे थे रोहतक झज्जर सोनीपत इनको तो कति भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी। अच्छा, तीनों को बिल्कुल है। हाँ, ना छोड़ता हूँ ना भी, उन छोड़ भी देंगे। अच्छा, रोहतक झज्जर सोनीपत इन्हें ना छोड़ता। अच्छा, ऐसे ही करके बोला उन्होंने। कोई मार कुटाई भी की गई? मार देखो, चलो उसी काम करो। नहीं कर देखो सानू आज हरपाल जी आज इधर हरपाल जी जेडे कि साडे चंडूनी साहब इनकलाबी चंडूनी जी हैं हमारे, हम तो उनके इनकलाबी चंडूनी बोलते हैं। चलो धन्यवाद जी, थैंक यू। और उनके साथी हैं हमारे बीच में आए हमें। देखो मुझे जब बताया इनके माँ बाप और बात हुई कि एग्जाम है पेपर 18, मैं बड़ा सुन के रहा हुआ 18 साल के बच्चे को, और अब आप देखो आतंकी कहा जाए आपको, आपको क्या कुछ बोला जाता है आपको, और कारण किया किसान आंदोलन। आज एक गल क्लियर होगी, मैं आपको भाइयों बताना चाहता हूँ, ये देश का पहला केस है जिसमें 307 की डकैती की सबकी धाराएं हैं, 120 भी, और उसके बाद भी कोर्ट समझ गई कि नजायज हो रहा है, वरना साल साल तक 6-6 महीने 8-8 महीने लोगों की जमानत नहीं होती। लेकिन कोई भी आपकी जानकारी में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी बेल डाली है वो एक्सेप्ट हुई है। इन्हों की भी बेल पहला किसी प्राइड लगाई किसी ने? आपकी दिल्ली कमेटी ने लगाई? दो जना की वो कैंसिल हो गई थी, वो दोनों की जिनकी लगी थी वो दोनों की कैंसिल हो गई थी। लेकिन जिसकी भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट में जमानत लगाई आज तक एक बार भी किसी की हमने जमानत कैंसिल नहीं होनी थी। गुरु साहब की इतनी कृपा है हमारे पे, जमानत कैंसिल नहीं होनी। बाकी चलो जी, हमारे वकीलों की टीम भी बहुत बढ़िया है, मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सिरसा साहब का भी करता हूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सीनियर वकील वकील साहब आ जाओ, सिंधु साहब, चितवन गोदारा जी आ जाओ, आप लोग भी, आप लोगों का भी तो धन्यवाद, आप लोगों के कारण ये बच्चा आज पेपर देने आया है, आ जाओ आप लोग। संधु साहब, इनका योगदान भी देखिए, ये भी सराहनीय कार्य है जो इन्होंने जो कर रहे हैं। ये एक भी जैसे सरदार जी ने हमारे ने बोला है कि एक भी बेल अब तक हमारी कैंसिल नहीं हुई है, हमारी सारी एक्सेप्ट हुई है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हम पे बना हुआ है, और हमारी टीम संधु साहब हमारे और चितवन गोदारा जी सौगन सभी की बहुत बढ़िया टीम हमारी, मतलब ये आंदोलन में पहले भी कह चुका ये गुरु महाराज चला रहा ऊपर बैठा हुआ, ये कोई ताकत नहीं, और ये भी नए नेता उभर के आए हमारे पास जो जेल में रह गए, तो हमारे नए नेता मिल गए हमें, इनकलाबी मिल गए हैं। और मोदी सरकार से आपके माध्यम से दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि आप कितने ही जुल्म कर लीजिए तो हमारा हौसला बढ़ता ही जाएगा। एक सवाल है, क्या किसानों को बिल दिलवाने में केवल डीएसजीएमसी का ही योगदान है या कोई और संस्था डीएसजीएमसी के साथ मिलकर काम कर रही है? देखो पहली बात है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये सभी की संस्था हमारी नहीं है, ये उन सबकी संस्था है जो गुरुद्वारे में दर्शन करने मत्था टेकने आते हैं, हम तो उसका प्रबंध चलाते हैं एक बात। दूसरी बात है, हमारा केवल और केवल सहयोग है किसान जथेबंदियों से, जो किसान जथेबंदियां हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर पहले दिन से हमारे साथ सहयोग में है, और उन्हीं का सहयोग हम लिया और उन्हीं का दिया है, इसके अलावा ना हम किसी के साथ, हमने कोई हमारे साथ सहयोग में है, किसान जथेबंदियों के अलावा कोई हमारा किसी से वास्ता नहीं है, ना ही हमारा कोई लेन देन। बिल्कुल, एक जो एनजीओ है उसकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो डीएसजीएम के साथ मिलके किसानों के, हमने पहले भी उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है, हमारा किसी भी के साथ वास्ता नहीं है, ना हमको पैसा लिया है ना देते हैं, ना हमारा वास्ता इसके साथ। बिल्कुल, एक सवाल नवीन जी दे नाल है साडा, नवीन, नवीन दी उम्र बहुत छोटी है, 45,000 साहब खड़े, कोई दिक्कत होने की बात सामने आई है कि एक संस्था ने $45,000 लीगल एड, हमें नहीं पता क्या उन्होंने इकट्ठा किया किसने किया, पर हमने बता दिया हमारा कोई किसी के साथ सहयोग नहीं है, हम केवल और केवल किसान जथेबंदियों के साथ खड़े हैं, हमारी जानकारी में किसी भी आज तक किसान जथेबंदी ने लीगल एड के नाम से कोई पैसा ना मांगा है ना लिया, हम ये बता सकते हैं, मांगा भी नहीं है तो लेने का तो सवाल ही नहीं है। इसके अलावा हमारा किसी से कोई संपर्क नहीं, हम किसी के खिलाफ बोलते हैं ना किसी का हक में, उन्होंने भी नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्होंने भी नोटिस पहुंचाए जा रहे हैं, किसान शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, आज एक किसान नु नोटिस गया कल जिस तुम अपने ट्विटर हैंडल ते पाया है, वो किसान आप भी सुन के भाइयों हैरान हो जाओगे, जो किसान 2000 में अकाल पुरख को प्यारा हो गया, जिसका काल चलाना हो गया, उसको भी आप नोटिस गया, भाई तेने भी गलत काम किया पेश हो जाए। अब घर वाले सवाल ये पूछ रहे हैं, भाई उसको कैसे लाए पेश कराने के लिए,
अब हमने कहा भाई उस पुलिस को पूछ लो अगर उसको वापस ला सकते हैं इसी माने परिवार का जी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप किस हद तक आप लोग मानसिकता आपकी गिर चुकी है? बिल्कुल। एक सवाल नवीन के वाले, नवीन आपकी उम्र बहुत छोटी है, गिरफ्तार किया गया, क्या डर लग रहा था उस समय, हौसला टूटा? नो मैम। क्या बात, क्या क्या बीत रही थी उस समय, कुछ बताओ। कुछ नहीं, वो बोल रहे थे छोड़ दें थोड़ी देर में, हम बैठे रहे वहाँ पर। किसने पैरवाई करी आपके केस की? सर वो कमेटी ने। सर बिल्कुल। उस तो बाद जब आपको पता चला कि आप बाहर निकलेंगे तो अब आप एग्जाम्स की तैयारी भी करेंगे, मोर्चे पे जाएंगे या दोबारा घर बैठ जाएंगे डर के? नो मैम, वो डर के बैठे। नहीं नहीं, पहले ये एग्जाम की तैयारी करेगा, उसके बाद हम इसको अपने पास बुलाएंगे। हमारा युवा नेता है, जज्बा जोर है, पहले एग्जाम देगा। पर देखो मुंह से बॉर्डर निकलता है, पहले एग्जाम देगा अपना, मुंह से बॉर्डर निकलता है। आपके साथ क्या तदस्त की करी, क्या किया पुलिस ने आपके साथ? हमारे पुलिस ने पकड़ लिया और हम अंदर हो गए। मारकूट की कुछ आपके साथ, कोई बदतमीजी? हाँ, गाली गलौज करी। उसके अलावा कुछ ऐसा कि आप जत्थेबंदियों के साथ कुछ ऐसा बोला? नहीं, और कुछ नहीं। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आपको सब बाहर लेके आए हैं, कमेटी किसान एकता मोर्चा? हम कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे को बाहर निकाला और हम कमेटी के साथ। बिल्कुल जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। अज गवर्नमेंट ने साडे किसान संघर्ष के समर्थन च जिहड़ियां भी शख्सियतां आउंदियां उन्हां च दो बॉलीवुड साडे एक्ट्रेस है तापसी पन्नू ते डायरैक्टर ने अनुराग कश्यप, उन्हां नूं परेशान करना शुरू किया। असी उत्थों भी निखेधी की और थोड़े माध्यम राही ये बिल्कुल कहना चाहते हैं भी ये बंद किया जाए, इस लोगों को परेशान करन दी क्या हो। और अज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मैं जी ओपोजिशन कोई सडिशन नहीं होती, इस करके यह भाजपा यह जे हथकंडे अपनाने बंद करने चाहिए ने, नहीं तो भाजपा का सियासी वजूद इस देश के नक्शे तो समेट के रख। बिल्कुल। ये नाल ही 25 औरतों को चाणक्यपुरी तो गिरफ्तार किया गया जिसे 2 साल की कुड़ी भी सी। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਨਾ, ਹਮ ਇਹ ਜਨ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਮ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਹਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। आज जो जय जवान जय किसान का नारा लगा रहा है उसको कह रहे हैं इसको जेल में डाल। ये देश की मैं बताना चाहता हूँ, ये आजाद देश की कैसी बदकिस्मती है, ये हमारे मुल्क की कैसी बदकिस्मती है, जिन किसानों ने हल जोत जोत कर इस देश को खड़ा किया, जिस जवान ने बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान दे के इस देश को बचाने का काम किया, आज दोनों को गदार कहा जा रहा है। आप ये किसान और जवान दोनों को और किसानी का झंडा लगाना आज इस देश में पाप हो गया। कभी हमने कभी सोचा था हमारे पुरखों ने कि जिस एक दिन ऐसा भी आएगा हम किसानी का झंडा लगा के जाएंगे, हमें देशद्रोही कह दिया जाएगा। मुझे तो